तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन कि आप लोगों को Redmi Note 10 लेना चाहिए या फिर आप लोगों को Samsung की तरफ से Samsung Galaxy M12 लेना चाहिए, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट दूर करने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है। तो हेलो सोल्डरन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले Redmi Note 10 वर्सेस Samsung Galaxy M12 एंड बताने वाला हूं कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है, क्योंकि हर बंदे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अलग फोन होता है। तो मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बढ़िया फोन रहने वाला है। बट स्टिल अगर मैं आप लोगों को एक शुरुआत में ही मतलब बता दूं कि अगर आप लोगों को ओवरऑल एक बेटर पैकेज चाहिए, देन आप लोग Redmi Note 10 की तरफ बिल्कुल आंख बंद करके चले जाओ। एंड में होता तो मैं खुद इन दोनों फोन में से Redmi Note 10 को पिक करता। बट स्टिल अगर आप लोग सोच रहे हो कि Samsung Galaxy M12 के पास भी तो कुछ प्लस पॉइंट होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, तो मैं आपको लास्ट तक मतलब बता दूंगा कि Samsung Galaxy M12 के अंदर आपको क्या प्लस पॉइंट मिलते हैं, यानी कि कुछ किन लोगों को Samsung Galaxy M12 लेना चाहिए। कुछ बहुत कम ही वो लोग हैं जिनको Samsung Galaxy M12 लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो लोगों में आप आते हो या नहीं आते, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं Samsung Galaxy M12 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो जब आप लोगों को 6.5 इंचेस का HD प्लस का TFT पैनल मिलता है, इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जब आपको बैक मिलता है प्लास्टिक की मिलते हैं, बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। तो भी चल लेते हैं अपने Redmi Note 10 की तरफ। तो इस फोन के अंदर भी आप लोग को एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलता है, इस फोन के अंदर भी आपको 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर AMOLED पैनल मिलता है, एंड इधर आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, बट हाँ इधर आपको सुपर AMOLED पैनल मिलता है, जो चीज काफी ज्यादा कमाल की हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत सही है, एंड फुल HD प्लस का भी आपको पैनल मिलता है। बाकी इधर आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो आपको बैक मिलता है प्लास्टिक के मिलता है, एंड बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, एंड इस फोन के अंदर आपको एक ट्रेंडी चीज इधर आपको पंच होल भी मिल जाती है। तो अभी चल लेते कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते हैं अपने Samsung Galaxy M12 के साथ। तो इस फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात कीजिए सेल्फी की, तो उधर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो भाई चलते अपने Redmi Note 10 की तरफ। तो इस फोन में भी आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहां पर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो उधर आप लोगों को 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो अभी चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते हैं अपने Samsung Galaxy M12 के साथ। तो इस फोन के अंदर आपको Exynos का 850 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 8nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिलता है। आपको एक काफी ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर तो मिलता है, क्योंकि आपको 8nm का प्रोसेसर मिलता है, एंड जिसके अंदर आपको कोर स्पीड मिलता है, आपको एफिशिएंसी वाले कोर मिलते हैं, पावरफुल वाले कोर नहीं मिलते, यानी कि आपको डे टू डे टास्क वगैरह कर लोगे, बट ऐसे गेमिंग वगैरह के लिए अगर आप कोई फोन सोच रहे हो ना, तो इस फोन को अपनी नजर से दूर कर दो। तो वही चल लेते अपने Redmi Note 10 के प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ। इधर आपको प्राइस के हिसाब से सही प्रोसेसर मिलता है, इधर आपको Snapdragon का 678 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 11nm का प्रोसेसर मिलता है, octa-core का प्रोसेसर है, Adreno 612 का आपको GPU मिलता है। ये प्रोसेसर आपकी गेमिंग कर लेगा, बट हाँ स्टिल अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट इस प्राइस के अंदर गेमिंग ही है, देन आपको इससे बेटर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो अभी चल लेते बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते अपने Samsung Galaxy M12 के साथ। इधर आपको मैसिव 6000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, आपको 15W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो वहीं चलते अपने Redmi Note 10 की तरफ। तो इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको इतना ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं Samsung Galaxy M12 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, 1UI 3.1 का कोर वर्जन मिलता है, इधर आपको जायरो का सेंसर नहीं मिलता है, इधर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, एंड इधर आप लोगों को फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं चलते अपने Redmi Note 10 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ। तो इस फोन के अंदर भी आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, सारी सेंसर मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, वाइल्ड वेल L1 मिल जाता है, कैमरा टू API मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, IR ब्लास्टर मिल जाता है, 1100 nits की इधर आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, डायरेक्ट स्टोरेज मिल जाता है, एंड इधर आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बात करते हैं अपने Samsung Galaxy M12 के वेरिएंट एंड प्राइस की। तो इस फोन के अंदर आप लोगों को 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 11000 के प्राइस पे। एंड बात करते हैं अपने Redmi Note 10 की, तो इधर आप लोगों को 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 12000 के प्राइस पे। तो अभी आप लोगों को मैंने स्पेसिफिकेशन वगैरह बता दिया, तो अभी बात करते हैं कि भाई किन लोगों को कौन सा फोन लेना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।
तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर अपना कौन सा फोन आगे निकलता है। तो डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर अपना रेडमी नोट 10 आगे निकलता है, क्योंकि इधर आपको सुपर एमोलेड का पैनल मिल जाता है, पीक ब्राइटनेस बहुत प्यारी मिल जाती है, पंच होल वगैरह मिल जाता है, फुल एचडी प्लस का पैनल मिल जाता है, एंड डिजाइन भी आपको भाई काफी ज्यादा तगड़ा मिल जाता है रेडमी नोट 10 का। बट इधर आपको एक प्लस पॉइंट अपने सैमसंग गैलेक्सी M12 के अंदर भी मिल जाता है। इधर आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। वो अलग बात है इसका प्रोसेसर इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है, बट स्टिल इस फोन के अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो अभी चल रहे थे कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर कि भाई कैमरे डिपार्टमेंट में कौन सा फोन आगे निकलता है। तो अगर आप लोग प्राइमरी की बात करते हो ना, यानी बैक साइड के प्राइमरी की, तो आपको दोनों का ही आउटपुट काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा। आपको रेडमी नोट 10 में भी अच्छा मिलेगा एंड सैमसंग गैलेक्सी M12 के अंदर भी अच्छा मिलेगा। बट आपको रेडमी नोट 10 के अंदर दो चार चीजें और काफी ऐसा ही मिल जाती है, जैसे इधर आप लोग को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, एंड आपको जो सेल्फी मिलती है वो भी आपको बेटर मिल जाती है, एंड 4K वगैरह भी आप लोग कर सकते हो रिकॉर्डिंग वगैरह। तो ये चीज अगर आप लोग ओवरऑल देखते हो देन आपको रेडमी नोट 10 अच्छा मिल जाता है कैमरे के अंदर। बाकी अगर आप लोग प्राइमरी देखते हो तो आपको दोनों के अंदर ही आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं प्रोसेसर की, भाई प्रोसेसर के अंदर कौन सा फोन आगे निकल रहा। तो प्रोसेसर के अंदर अपना क्लियर विनर हो जाता है रेडमी नोट 10 गेमिंग वाइज, एंड आपको एफिशिएंट भी सही मिल जाता है 11 का प्रोसेसर है। बट हाँ, अगर आप लोग इसको देखते हो सैमसंग गैलेक्सी M12 के सामने, तो उसके सामने थोड़ा कम एफिशिएंट मिलता है, बट पावरफुल तो आपको उससे कई ज्यादा मिल जाता है। तो अगर आप लोग ऐसे प्रोसेसर वाइज पूछते हो कौन सा फोन बढ़िया है, तो अपना रेडमी नोट 10 आगे निकल जाता है। बात करते हैं बैटरी की, तो भाई बैटरी के अंदर अपना सैमसंग गैलेक्सी M12 आगे निकलता है MAH की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपको जो डिस्प्ले मिलते हो अभी आपको HD+ की डिस्प्ले मिलती है, जो आपकी जो मतलब बैटरी कंजप्शन हो काफी कम रखने वाली है, एंड जो आपको प्रोसेसर मिलता है अभी आपको काफी एफिशिएंट मिल जाता है, एंड बैटरी का आपको MAH भी ज्यादा मिल जाता है, जिस वजह से अगर आप लोग ओवरऑल बैटरी बैकअप देखने वाले हो तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M12 के अंदर ज्यादा मिलने वाला है। बट मेरे को कमी लगी कि इस फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है 15 वाट की। मैं इसे फास्ट तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट ठीक है, मतलब अगर आप लोग देखते हैं MAH तो 6000 mAh ठीक मिलता है। बट स्टिल मेरे को यहाँ पर Redmi Note 10 सही लगा बैटरी के अंदर। इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, उसी के साथ इधर आपको जो फास्ट चार्जिंग मिलता है आपको काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाती है अपने प्राइस के हिसाब से, एंड फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है 33 वोल्ट का। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो जाती है, एंड उसी के साथ एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर भी अपना Redmi Note 10 आगे निकल जाता है। बात आप लोग कर लो IR ब्लास्टर की, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप की कर लो, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन की कर लो, सारे सेंसर्स वगैरह की कर लो, स्टीरियो स्पीकर वगैरह की कर लो, तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप लोग देखते हो ना एक्स्ट्रा फीचर्स, एंड ओवरऑल अगर आप पूरा फोन देखते हो तो आपको बेटर पैकेज रेडमी नोट 10 के अंदर मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। तो अपना सैमसंग गैलेक्सी M12 उन लोगों के लिए जिनको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, एंड जो लोग ना मतलब ऐसे सैमसंग के फैन हैं जिनको कोई नॉन चाइनीज फोन ही चाहिए, देन आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M12 की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज अपना रेडमी नोट 10 काफी ज्यादा सही फोन है। बाकी MIUI के साथ आपको पता है कितनी सारी दिक्कतें होती है, एड्स वगैरह की दिक्कत है, पॉपअप्स आते हैं MIUI के अंदर भी, बट इतने ज्यादा तो नहीं आते जितनी एड्स वगैरह आती है आपको MIUI के अंदर। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपको दोनों में से बढ़िया फोन कौन सा लगा है। मेरे को इधर Redmi Note 10 काफी सही फोन लगा है प्राइस के हिसाब से, बाकी आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, तो मुझे Instagram पे फॉलो करना, मिलते हैं किसी वीडियो को लेकर, तब तक के लिए।